वेलकम बैक टू माय चैनल मुकेश बिस्ट ऑफिशियल। आए हो मेरे सभी दगड़ी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दगड़ी आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही भाई रात के 11:30 बजे से। आपको दगड़ी रेडी हो चुका है क्योंकि भाई मैं जा रहा हूँ सोमेश्वर, और मैं पूरी टीम पवित्र संगम पूरी टीम जा रही है भाई सोमेश्वर, क्योंकि वहाँ पे हो रहा है सोमेश्वर महोत्सव। तो बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई विजय भंडारी जी का और उत्तराखंड की लोक गायिका नीमा भंडारी जी का, जिन्होंने हमारी टीम को दोबारा से दूसरी बार वहाँ पे बुलाया है, क्योंकि पिछले साल भी हम लोग वहीं पर थे 3 दिवसीय, और इस साल 2025 में भी हम लोग 3 दिवसीय प्रोग्राम के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं सोमेश्वर घाटी सोमेश्वर स्टेडियम में। तो आप सभी जितने भी मेरे दगड़ी हैं सभी वहाँ पहुँचे सोमेश्वर महोत्सव में, और भाई धूम मचाएंगे क्योंकि वहाँ आ रहे तमाम उत्तराखंड के बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं वहाँ पे। तो भाई साथ मिलके जो है धूम मचाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे और एंजॉय करेंगे दगड़िया। तो आप सभी जरूर आए और एंजॉय कीजिए। चलो बाय, मिलते हैं, ठीक है, बाय। तो दगड़ियों भाई अभी हम पी रहे हैं चाय या कोक। चाय चाय कहाँ से होगी भाई? जो समझ जाओ, जो आप समझते हो कि भाई पता ही है, कुछ ऐसा करते हैं। ओल्ड मोंग चाय नहीं होती भाई। ओल्ड मोंग भाई यार, अगर भाई ऐसा है नहीं है ना, बाकी नेहा सुन रही है और अंदर कंचन भी है, नेहा भी सुन रही है आज। हाय गाइस, हाय गाइस। और हम लोग जा रहे हैं सोमेश्वर माता सीता आशीर्वाद दो। अभी अभी हम लोग हैं गढ़ में, गढ़ मुक्तेश्वर गढ़ गंगा, साथ में है कंचन और बीमार जो भी है, हाँ उसे बुखार है। देखो यही हमारे कोल्ड ड्रिंक, यही हमारे ओल्ड मॉन्क है। बसी के प्यारी गंगा सारी को है लाल मोहन। हेलो गाइस, और हम पहुंच गए हैं रामनगर, और हमारे बीच में उत्तराखंड का काफी जाना माना स्टार मखमली आवाज और सचिन टाक जी हमारे बीच में, और हमारे बीच में पहुंच गए ब्लॉगर हमारे भैया मुकेश भैया जी। दगड़ियो आज हमारे बीच में, हमारे इस लंबे से टूर पे हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जो उत्तराखंड के सुपरसिद्ध डायरेक्टर हैं और हमारी मखमली आवाज लोक गायक है, प्रेम का हमारे बीच में है आज, और बहुत लंबा सफर हम लोग होके आ रहे हैं। तो ये सफर जाएगा भाई सीधा सोमेश्वर महोत्सव में आज, क्योंकि 3 दिवसीय वहाँ प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हमारी पूरी टीम पहुँच रही है प्रेम भाई के साथ, और भाई धूम मचाएंगे आज। मनानी 25, 26, 27 3 दिवसीय वहाँ प्रोग्राम है। तो आप सभी जरूर आए और धूम मचाएंगे सभी गाजी बाजी साथ, नए नए गाने के साथ, और सुप्रसिद्ध लोक गायकों के साथ जो है आज धूम मचाएंगे। तो हम चाय पी रहे हैं अब, और चुस्की और दगड़ियों आज हमारे बीच में बहुत तगड़ा पायलट जर्मनी दुबई मुंबई जो कि बहुत जगह एरोप्लेन चलाई हमारे बीच में अजय भाई जी, अजय पायलट। तो गाइस मिलते हैं सोमेश्वर। तो भाई दगड़ियों हम ना इस वक्त हैं बासोट में, और यहाँ पे भी हम लोग चाहा कि ठंड है वो बहुत ज्यादा भाई, भयंकर ठंड। ये देखो ये कुकड़ी, क्या ये कुकड़ी है, ठीक है, ठंड के वाला इसकी हालत ऐसी हो रही है ऐसे से, ठीक है। देखो हमारा अजय भाई, अजय भाई मजा आ रहा है, मजा है भाई। मैं तो भाई शॉर्ट्स में देख लो भाई, कैपरी में हूँ, और सभी लोग जो है भाई बॉडी बिल्डर भाई अपना। ये देखो देखो ये देखो गजब यार, गजब मतलब फुल चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है मजेदार। क्षेत्र भाई कितना सुंदर गांव है यार जी हमारी। तो कंचन जी कैसा लगा आपको आज का सफर दिल्ली से सोमेश्वर तक का? कुछ पेट में दर्द बहुत हुआ। अच्छा लगा आपको? और हम मिलाते हैं हमको नेज भाई से। नेज भाई कैसा लगा आपको सफर दिल्ली सोमेश्वर का, कैसा लगा आपको आज? आपने दिलाया गुरु जी, मजा जिंदगी में भूलूंगा। मजा भाई बहुत तरक्की होते, कैसे मजा बताओ। अरे मतलब क्या बातें करी आपने। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये भाई थोड़ा ज्ञान था मेरे पे, तुम्हें जो तुम्हें ज्ञान मैंने दिया आपने हमें, हाँ कैसे निकलना जी 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 बताइए। हाँ मैं उनसे पूछ लेता हूँ। दगड़ियों अब मिलाते हैं आपको नेहा जी से। नेहा जी ये बताइए आपको कैसा लगा दिल्ली से सोमेश्वर की ये यात्रा? बहुत ही अच्छा सफर था, सफर का पता ही नहीं चला के साथ, और हम कब पहुंचे हैं, उनकी प्यारी प्यारी बातों से लास्ट का जो जिल यहाँ पे जब आए थे तो आप, हाँ
जब यहाँ पर आए थे तो हमें लगा कि आपने एक शब्द बोला था, तो लगा हमें आपकी जो हमें सिखाया वो आप सीख चुके हो। मजा आ गया भाई सुन के। आप सबकी सिखाई हुई है। हाँ। तो ये भगवत तुम्हारा जो तुम सारे हैंडसम लड़के हो ना, तुम बिना नहाए धोए भी इतने हैंडसम लगते हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। के साथ जो मेरी एनर्जी होती है ना, वो डबल हो जाती है लोगों को देख के। और मैं तो मुझे तो लगा भी नहीं कि तुम नहाए धोए। खाली जाने की बात कर रहा है, बैठे अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों देखो, आप भी हमसे मिलिए, हम आपको अपनी क्या कहते हैं हैंडसम गिरी का राज बताएंगे। पेमेंट 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 हमारी ज्यादा नहीं, 31,000 पर आर्टिस्ट है ना। तो क्योंकि क्या इतना उम्र हो गई हमारी, अभी कहाँ उमर है, हम लोग रेडी हो चुके हैं परफॉर्मेंस में जाने के लिए मंच पे। तो रेडी रेडी हो चुके हैं, सभी लोग रेडी हो चुके हैं और चलते हैं भाई जहाँ पे मंच है वहाँ जाते हैं। और आज धूम मचाएंगे दुबा, क्योंकि आज पहला दिन है सोमेश्वर महोत्सव का 2025 आने वाला है ना। तो साथ में बब्बू दा और भाई पूरी टीम, अभी तो तेरे पहले वहाँ रेडी हो रहा भाई शिप के लिए। हर हर महादेव, बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे मेरे पूरे ग्रुप में और मेरे जितने बाबा जी का भक्त है सब में बना रहे। और अभी हम जो है सोमेश्वर घाटी में, बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे पूरे उत्तराखंड में। सोमनाथ नगरी शिव नगरी में है और बाबा जी का आशीर्वाद पूरे हमारे देवभूमि उत्तराखंड में सभी भक्तों का बना रहे, यही काम करता हूँ। हर हर महादेव।
ये रावण की गोली चला राम जी भातीरा। दगड़ियों
कला कला संगीत क्योंकि अपनी भाषा नहीं होती है। आप सोच रहे होंगे हमारे हमारे उत्तराखंड के तो है ही, लेकिन एक बंदा हमारा हरियाणा का आते हो एक बार, इसलिए जोरदार ताली, क्योंकि हरियाणा से आके हमारे भगवंत मन्नाल जी ने इनको, जैसे अभी हमारे ये मैथिली ठाकुर जी गा गए थे, वैसे हरियाणा का बंदा पहाड़ी जानता है। एक बार जोरदार ताली आप भैया, अपना नाम है सचिन। आप सभी तक पहला है, अब मैं तो गर्व थी कि अब मैं भी उत्तराखंडी छो। जोरदार तालियां। हे हसिया नख दली मट गली, रावण की लंका में जी हनुमंता बीरा, ये रावण की गोली चला राम जी का तीरा, जित घड़ी दुनिया नी है जनो दीरा, ये धागों तोड़ी दिना चर मुख तीरा, तू मेरी जगण हली, तू मेरी जगण हली, बगुर खचलिए बागू, ये गुर खचलिए बागू, असिया बना दे
आदि नगर मैल गीत गा और मतलब शब्द मेरे पास अपने लेजिन है कि ये तो मतलब सब जनरेशन नगर में गीत कहा रही तो दादी आप सबू ना आशीर्वाद छ आप सबू ना प्यार छ और मैं आप हमें यह विनती करना चाहूँ कि एक गीत जो हम गा अगर आप इजाजत दिला तो मोहन नीचे जी 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 किले की यो जो टाइम छ दोबारा नहीं आन कभी कभी यो मौक मिलूं तो आज दूसर बार मैं दादी नगर स्टेज शेयर करूं नहीं यो मेरा बहुत सौभाग्य छ ठीक छ ठीक छ Oh,
यहाँ पे सब ठुले छे आज सब ना कॉलेज खत्म है गो कोई कोई काम काज कर रहा क्या क्या ब्याला है गो नंदिन ले है चुक गई पर एक बात जरा सच्ची सच्ची बताया कोई कॉलेज है या खास दिन जो आप कभी भूल नहीं सकना बहुत सारा हनल है कोई टीचर हनल कोई पेन हनल या बस हनल या कह के दगे अट्रैक्शन हनल और कह के अट्रैक्शन तो ब्योल में बन चुकी है ने तो याद है लो अपना वो दिन जब आप सब कॉलेज में पढ़िया कब है कह के इंतजार कर छे और के बोल छिया कि ऋण भूणा ऋण भूणा अच्छा गुलाब रंग क्या क्या पहनो एक हाथ और दी तीन ना थर्ड मिल चार पांच पर्पल ला गुलाब फैमिली मजे है जहाँ छह और आप सब गलड़ ये तो लाल और गुलाब छे तो गुलाब रंग पहनना जरूरत है तो तैयार छ डांस करने लीजिए तैयार छ जय जय मुखड़ गलड़ गुलाल छे और जय जय गुलाब ढिंगर पहनी उस समय अगर गुलाल क्या बसंती बेई गुलाब पहनो छी आज लाल छे स्वामी जी बोल रहे तुम बेले वही सूट पहन रहे थी आज है तो मैल को यार मत ध्यान देखी करो बेई मैल गुलाब रंग पहन रहे थी और आज लाल पहन रहे तो भैया थोड़ अपन अपन हीरोइनों को देखे करो सिवाय दूसरे हीरोइनों को देखना बजाय हाँ जी तैयार छा चलो जी अपन गुलाब रंग सब बिल्कुल मुखड़े में चम चमक है जान से चलिए बसंती तेरे भाई दगड़ियो फाइनली आज का प्रोग्राम भाई पैकअप हो चुका है प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त रहा और आज नेहा ने भी बहुत ही जबरदस्त वाइब आज मंच हिला दिया है नेहा जी ने भी सच में मजा आ गया आठ बजे के बाद जो है कुछ मीटिंग होगी जो जो हमने गलतियां करी होगी ना नहीं नहीं बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं बस है आए बाबुल का आशीर्वाद से जो है बच्चे खुद तरक्की करे उन्नति करे यही काम है और फिर चौबीस रात खुद तरक्की करे भाई ठंड हो रही है भाई बस शॉर्ट्स पहाड़ों पहाड़ वाली फीलिंग आ रही है मजा आ रहा है मैं तो भाई देखो शॉर्ट्स पहना हुआ है मैंने शॉल ले रखा है पहाड़ में आए हो और स्वेटर पहने तो मजा नहीं हुआ सब ऐसे रहो हाँ मेरा नहीं भाई तुम्हें ध्यान देना है दो दिन और पहाड़ी है हम यार पहाड़ी है हम लोग ड्राइवर से मिलते हैं दगड़ियों ऐसा है फाइनली हम पहुंच गए हैं रूम में और भाई अब बहुत ज्यादा थक चुके हैं तो भाई अब सोते भी हैं क्योंकि भाई कल फिर हमने वहाँ परफॉर्मेंस देनी है दो दिन और हमने यहाँ पे रहना है सोमेश्वर में ठीक है तो दगड़ियों आई होप कि आप सभी वीडियो बहुत पसंद आएगी जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्यार कमेंट कीजिए स्वस्थ है मस्त है जय उत्तराखंड।